आईसीसी मैच टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच रोमांचक मुकाबला। आप सभी को बता दें कि जहां पर इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया बांग्लादेश के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को, इनकी फील्डिंग को भी दोस्तों ध्वस्त करती नजर आई इंग्लैंड की टीम। बात करेंगे इसी मैच नंबर 20 के बारे में जो सुपर 12 ग्रुप 1 के बीच खेला गया कि किस प्रकार से इंग्लैंड का दबदबा कायम है दोस्तों आईसीसी मैच टी20 वर्ल्ड कप के इन रोमांचक मुकाबलों में, और वो तेजी से अग्रसर होती नजर आ रही है आईसीसी की ट्रॉफी की तरफ, क्योंकि इंग्लैंड की झोली अभी तक पूरी तरीके से खाली है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लेकर। वो एक भी बार खिताब नहीं जीती, जहां वेस्ट इंडीज 2 बार जीती है, इंडिया भी 1 बार जीती है, पाकिस्तान भी 1 बार खिताब जीती है, श्रीलंका भी 1 बार खिताब जीती है, तो वहीं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमें खिताब से दूर है। लेकिन वहीं इन सबों की जंग जारी है और इंग्लैंड इसमें पूरी तरीके से भारी पड़ती नजर आ रही है बाकी सभी टीमों के खिलाफ। जहां पहला इसका मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ, वहां पर 55 रन पर वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करके इंग्लैंड ने भारी जीत हासिल करी थी। तो यहीं बांग्लादेश के मुकाबले में भी दोस्तों पूरी तरीके से इनके गेंदबाज और बल्लेबाज को एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी पोल खोल के रख दी कि क्यों आप इतनी कमजोर टीम गिने जाते हो। बात करते हैं इसी मुकाबले के एकदम शुरुआत से कि क्या कुछ हुआ, टॉस से लेकर प्लेइंग 11 तक सारी जानकारी देंगे और मैदान पर क्या कुछ यहां पर वाद विवाद देखने को मिला ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो इंग्लैंड वर्सेज बांग्लादेश मैच नंबर 20 सुपर 12 ग्रुप 1। आप सभी को बता दें पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स की लड़ाई के लिए दोनों टीमें मैदान पर उतरी। दिन का ये मुकाबला था जहां शेख जयाद स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पर खेला गया और पहले बांग्लादेश और इंग्लैंड कप्तान दोनों टॉस के लिए आए। तो बांग्लादेश के कप्तान ने यहाँ पर महमूदुल्ला ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिन के समय और शेख जयाद स्टेडियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ज़्यादातर टीमें पहले बल्लेबाजी का करने का फैसला करती हैं और फिर चाहे 130 140 क्यों ना बने उसको डिफेंड करती नजर आती है। लेकिन आज यही बात दोस्तों सामने आई कि बांग्लादेश की जो गेंदबाजी है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करें तो बांग्लादेश की दोस्तों प्लेइंग 11 थी मोहम्मद नईम, लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्ला कप्तान है जो, आफिफ हुसैन, नूरुल हसन, मेहदी हसन, शरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, नसूम अहमद। वहीं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 थी जेसन नोए, जॉस बटलर, डेविड मलान, जॉनी बेस्टो, इयान मॉर्गन जो कप्तान है इनके, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रिस वॉक्स, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, टाइमल मिल्स, यानी कि आज के मुकाबले में भी टॉम करन, सैम विलिंग्स जैसे खिलाड़ियों की कोई जगह नहीं बनी। वह पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम दोस्तों 124 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई, यानी कि 120 गेंदों में 124 रन। तो बांग्लादेश की पूरी तरीके से कह सकते हैं गेंदबाजों ने इंग्लैंड के धज्जियां उड़ा के रख दी और जिन गेंदबाजों ने विकेट ली वो कोई प्रॉपर यहां पर फुल टाइमर गेंदबाज नहीं बल्कि पार्ट टाइमर गेंदबाज है, जिनमें नाम लियाम लिविंगस्टोन का आता है, जिनमें नाम मोइन अली का आता है, जिनमें बात करें दोस्तों तो टाइमल मिल्स ने आज अच्छी गेंदबाजी करी और क्रिस वॉक्स ने भी सबको काफी प्रभावित किया। बांग्लादेश की जो ओपनिंग जोड़ी थी दोस्तों वो महज 14 रन पर ही पहला विकेट खो दिया। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद थी, लिटन दास के रूप में पहला विकेट गिरा यहां पर, लिटन दास का विकेट मोइन अली ने लिया था, कैच पकड़ा था लिविंगस्टोन ने। 8 गेंदों में 9 रन की पारी लिटन दास ने खेली थी 2 चौके की मदद से। वहीं मोहम्मद नईम की बात करें तो 7 गेंदों में 5 रन उन्होंने बनाया था। वो दूसरा विकेट ही दोस्तों अगली ही गेंद पर ले लिया था मोहम्मद नईम के रूप में मोइन अली ने अपने उसी ओवर में। क्रिस वॉक्स थे फील्डर जिन्होंने कैच पकड़ा था नईम का। शाकिब अल हसन सबसे बड़ी उम्मीद बांग्लादेश की, जो जब चलते हैं तो बांग्लादेश को जीत सुनिश्चित कराकर ही आते हैं, लेकिन आज के मैदान पर 7 गेंदों में सिर्फ 4 ही रन बना पाए शाकिब अल हसन। क्रिस वॉक्स ने दोस्तों यहां पर लिया विकेट, ये मैच का 3रा विकेट था। आदिल रशीद थे फील्डर जिन्होंने कैच पकड़ा। शाकिब अल हसन का यहां पर 4 रन बनाकर हुए आउट और टीम का स्कोर था तब दोस्तों महज 26 रन, जब यहां पर 5.2 ओवर हुए थे, यानी 32 गेंदों में 26 रन और टीम 3 विकेट खो चुकी थी। उसके बाद मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्ला के बीच छोटी सी पार्टनरशिप पनपती है जो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। यहाँ पर दोस्तों मुशफिकुर रहीम 30 गेंदों में 29 रन बनाकर 3 चौके की मदद से लिविंगस्टोन के हाथों हो जाते हैं LBW आउट। वहीं दूसरे छोर से महमूदुल्ला भी दोस्तों 24 गेंदों में 19 रन बनाकर लिविंगस्टोन के हाथों अगले ही ओवर में हो जाते हैं आउट। क्रिस वॉक्स होते हैं यहाँ पर फील्डर जो कि पकड़ते हैं इनका कैच। 1 चौके से महमूदुल्ला अपनी इस पारी में थोड़ा बहुत रोमांच लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरुआत में तो छक्का लगा ही नहीं दोस्तों। नूरुल हसन 18 गेंदों में 16 रन बनाते हैं। टाइमल मिल्स आज 3 विकेट लेते हैं, जिनमें एक नूरुल हसन, मेहदी हसन और मुस्तफिजुर का विकेट होता है। नूरुल हसन का विकेट लेते हैं टाइमल मिल्स, 16 रन बनाकर नूरुल हसन आउट होते हैं 18 गेंदों में। 10 गेंदों में 11 रन बनाते हैं मेहदी हसन 2 चौके की मदद से। टाइमल मिल्स अपना 2रा विकेट लेते हैं, कैच पकड़ते हैं क्रिस वॉक्स। वहीं नसूम अहमद दोस्तों 9 गेंदों में 19 रन बनाते हैं 1 चौके 2 छक्के की मदद से। मुस्तफिजुर जैसे ही आखिरी गेंद का सामना कर रहे होते हैं 124 रन पर 9वां विकेट गिर जाता है
जाता है टीम बांग्लादेश का और यहीं पर इनकी पारी हो जाती है, फर्स्ट इनिंग समाप्त। अब इंग्लैंड के सामने कठिन चुनौती ये थी कि जो कि इस समय शाकिब अल हसन चार मैचों में 11 से प्लस विकेट ले चुके हैं, वो गेंदबाज उनके सामने थे। यहाँ पर बात करें इंग्लैंड के गेंदबाजों की तो तीन ओवर में 18 रन देते हुए दो विकेट मोइन अली ने चटकाए, क्रिस वॉक्स ने चार ओवर में 12 रन देते एक विकेट चटकाया, वहीं टाइमल मिल्स ने चार ओवर में 27 रन देते तीन विकेट चटकाया, लिविंगस्टोन ने तीन ओवर में 15 रन देते हुए दो विकेट चटकाए, आदिल रशीद और क्रिस जॉर्डन ने अच्छी गेंदबाजी करी लेकिन आदिल रशीद महंगे साबित हुए, चार ओवर में 35 रन इन्होंने दिया और दो ओवर में 15 रन क्रिस जॉर्डन ने दिया। वहीं बात करें अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की, इंग्लैंड की बल्लेबाजी में ऐसा खास क्या था जिसकी वजह से बांग्लादेश की अच्छी खासी गेंदबाजी को यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। तो दोस्तों एक समय पर लग रहा था कि थोड़ी बहुत खराबी मैदान के अंदर है जिसकी वजह से यहाँ पर रन नहीं बन पा रहे, लेकिन आप सभी को बता दें कि जब इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करना शुरू किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये मैदान खराब है, बल्कि ऐसा लगा कि बल्लेबाज ही खराब थे बांग्लादेश के, जो इस मैदान का पूरी तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर सके। क्योंकि इंग्लैंड ने दोस्तों ये मैच 126 रन दो विकेट के नुकसान पर मैच 14.1 ओवर के अंदर ही बना लिया था, जिसमें वाइड रन उसमें 5 के थे और लेग बाय के रन 6 रन थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी तेजी से रन चेस किया। और आपको बता दें इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि अगर दो पॉइंट्स मिल रहे हैं तो सोने पर सुहागा वाली बात करते हैं और दो पॉइंट्स के साथ अच्छा नेट रन रेट भी बना लेते हैं। तो वही इनकी इंटेंशन थी कि नेट रन रेट भी अपना बेहतरीन करना चाहा। अब इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी जेसन नॉय और जॉस बटलर मैदान पर उतरी, जहां पर पहली विकेट के लिए पार्टनरशिप 39 रन की हुई, 125 रन ही चेस करना था, जहां 30 गेंदों के पहले 29 गेंदों में 39 रन बन चुके थे। जॉस बटलर दोस्तों 18 गेंदों में 18 रन बनाकर खेले थे, एक चौके एक छक्के की मदद से। नसूम अहमद लेते हैं पहला विकेट कैच, पकड़ते हैं नईम, दूसरे छोर से आते हैं डेविड मलान और जेसन नॉय की, यहां से ताबड़तोड़ पारी शुरू होती है जहां 39 रन पर पहला विकेट गिरता है तो 112 रन पर दोस्तों आता है दूसरा विकेट, 12.5 ओवर में जेसन नॉय का दोस्तों दूसरा विकेट गिरता है और जेसन नॉय तब तक मतलब अर्धशतकीय पारी तूफानी अंदाज में खेलकर जा चुके होते हैं। 38 गेंदों में रन, यानी कि जो एक ऐसा तूफान आया बड़ी तेजी से आया और बड़ी तेजी से चला गया, 38 गेंदों में 61 रन बना दिए 5 चौके 3 छक्के की मदद से। लग रहा था ये मैच रोमांचक होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये मैच बड़ी ही तेजी से चेस कर लिया जेसन नॉय की 61 रन की दमदार पारी के दम पर। डेविड मलान दूसरे छोर से 25 गेंदों में 28 रन बनकर नाबाद खड़े थे, जॉनी वेस्ट ने आते 4 गेंदों पर 8 रन बनाया, एक चौका लगाया, उसके बाद यहां पर एक अच्छा खासा रन भी दौड़े, उसके बाद देखने को मिला कि 3 चौके डेविड मलान ने लगाए थे, एक विकेट दोस्तों सौरभुल इस्लाम और एक विकेट नसूम अहमद को मिला, शाकिब अल हसन जैसे खिलाड़ियों का खाता खाली रह गया। इंग्लैंड ने यह मुकाबला दोस्तों जीत लिया करीब 6 ओवर पहले ही। अब बात करें यहां पर पॉइंट्स टेबल की तो इंग्लैंड की जीत से दोस्तों उनकी नंबर 1 की पोजीशन अभी तक सुनिश्चित है, प्लस यहां पर उनका नेट रन रेट जनरेट भी बहुत तगड़ा हो गया है और बांग्लादेश के बचे हुए तीनों मैच दोस्तों उनके लिए जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वेस्ट इंडीज अपने 2 मैच हार चुकी है, बांग्लादेश अपने 2 मैच हार चुकी है, लेकिन यह मुकाबला बड़े ही अच्छे अंदाज में दोस्तों 8 विकेट से इंग्लैंड की टीम ने जीत दर्ज करी। मैच नंबर 20 अबू धाबी के मैदान पर इंग्लैंड ने जीता यह मुकाबला और इंग्लैंड और बांग्लादेश का दोस्तों T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पहला ही मुकाबला था। इससे पहले ये 21 करीब यहां पर मुकाबले हमने देखे हैं लेकिन इंटरनेशनल के, वहां पर दोस्तों इन्होंने टेस्ट खेले हैं, इन्होंने ओडीआई खेले, लेकिन T20 पहली बार खेला और पहली बार में इंग्लैंड की टीम का दबदबा कायम है। बांग्लादेश ये मुकाबला 8 विकेट से हारी, इंग्लैंड ने अपने झंडे गाड़ रखे हैं और देखते हैं कि क्या T20 वर्ल्ड कप के खिताब पर इस बार मजबूत दावेदारी पेश करेगी 2019 वर्ल्ड कप विजेता की टीम। क्या लगता है दोस्तों इस बार कौन जीतेगा खिताब, कमेंट्स करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।